नमस्कार, मैं आपके साथ कामराज सिंह। आप देख रहे हैं कि न्यूज एक्सप्रेस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ देखने के लिए हर खबर का खुलासा। लड़की की बरामदगी को लेकर हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के सैन जंगली कस्बे का है, जहां पर गत डेढ़ माह पूर्व एक दलित की बेटी को कस्बा ओझारी निवासी उठाकर ले गए थे, जिसमें अपहरण संबंधी मुकदमा लगभग डेढ़ महीना पूर्व लिखा गया था, परंतु पुलिस की लापरवाही के चलते अभी तक ना ही अपराधी जेल गया है और ना ही लड़की बरामद कर पाई है, जिसको लेकर पिछले एक सप्ताह से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दलित परिवार के साथ खुलकर सामने आ गए थे, जिसको लेकर चार दिन पूर्व पुलिस क्षेत्र अधिकारी हसनपुर के यहाँ एक ज्ञापन लड़की को बरामद करने तथा आरोपी को जेल भेजने संबंधी तथा कार्रवाई न करने पर पुलिस के खिलाफ दिया गया था, जिसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, परंतु इसके बाद भी पुलिस की लापरवाही के चलते लड़की बरामद नहीं हो पाई है और ना ही अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, जिसमें हिंदू संगठन ने सैद नंगली थाना अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा को सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के दबाव में कार्य करने संबंधित आरोप भी लगाए थे, परंतु अभी तक पुलिस का इस मामले में लापरवाही बरतती नजर आ रही है, जिसको लेकर आज हिंदू संगठनों के साथ लगभग 200 से ज़्यादा दलित परिवार थाने पर आए और थाने का घेराव किया, जिसमें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही हम आरोपियों को जेल भेज देंगे तथा लड़की को सकुशल बरामद कर लेंगे। आरोपी के घेरे में चल रही पुलिस पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस व अपराधियों के बीच साठगांठ चल रही है, जिसके चलते पिछले 8 माह से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको पुलिस की उदासीनता नज़र आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद। जो हैं आए हैं, हमने सीओ साहब को 72 घंटे का अल्टीमेट दिया था, इसी विषय पर हम यहाँ सब लोग आए हैं। यहाँ सभी हिंदू समाज के लोग हैं, अन्य संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, एबीपी, भारतीय जनता पार्टी, सभी संगठनों के लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, और आपको आप क्या आश्वासन मिला है?